This conference will now be recorded. Okay, so in case of user management, we have a various way to create the user. Like as बिल्कुल बेस से बात करें तो Azure AD user management, this is our agenda. Azure AD users management. So यूजर्स मैनेजमेंट के केस में एक तो है यूजर्स क्रिएट करना डायरेक्टली, यूजर क्रिएशन. दूसरा अपने पास है गेस्ट यूजर अकाउंट, एंड तीसरा है अपने पास बल्क ऑपरेशन, राइट? यहीं पे हम एक पार्ट और इन्वॉल्व करेंगे विच इज रियली इंपॉर्टेंट, कस्टम डोमेन एडिंग. कैसे हम कस्टम डोमेन ऐड करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट MFA एंड SSPR. ठीक है, these all are the agenda that we need to know in case of our user management. कि यूजर कैसे तैयार करना है, गेस्ट यूजर की वैल्यू क्या होती है, बल्क ऑपरेशन क्या होता है, कस्टम डोमेन कैसे ऐड किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सेल्फ सर्विस पासवर्ड, इनको कैसे मैनेज किया जाता है. इन सभी का वन बाय वन करके प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके और हम Azure सर्विसेज को आसानी से समझ सकें. क्लियर? यप. बैक टू द Azure पोर्टल. और Azure पोर्टल पे यू नो दैट हमें AD को सेलेक्ट करना है, फिर कॉल सर्विसेज, गो टू द सिक्योरिटी, और यहाँ पे Azure AD का पैनल आ गया. Under the Azure panel, we just need to click users और users पे जाकर के अपने पास जो भी users हैं, अभी तो ये तो default वाला है. जब भी आप root account create करते हैं, जब भी आप कोई भी free trial या pay as you go subscription purchase करते हैं ना, तो Azure अपनी तरफ से एक आपको root account provide कर देता है, which is root account, right? यहाँ पे new है, new guest है, bulk operation है, password reset है, per user multi-factor authentication है और SSPR है. न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं, क्रिएट एंड इनवाइट. पहले तो हम क्रिएट करके देख लेते हैं एक यूजर विद नेम ऑफ GCP. दिस इज आवर डिफॉल्ट डोमेन नेम. अपने पास केवल एक ही डोमेन है जो माइक्रोसॉफ्ट और microsoft.com पे है. सेलेक्ट द नेम. No need to provide first name, last name. यहाँ पे है अपने पास पासवर्ड जनरेट. सो आई एम गोइंग टू यूज डिफॉल्ट पासवर्ड. ग्रुप है और रोल्स है, दो डिफरेंट चीजें हैं. ग्रुप इन द सेंस कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं, तो आप एक सिंगल ग्रुप बना करके उन यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑन प्रीमाइसेस. क्योंकि अगर आपको एक ही परमिशन देनी है तो अलग अलग परमिशन देने से बेटर है कि आप ग्रुप पे परमिशन दीजिए, और ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक उस परमिशन के मेंबर हो जाएंगे, उस परमिशन वो परमिशन उनके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा. इज इट करेक्ट? So we can say that you can say that group is a collection of our multiple users. एक ग्रुप जो है मल्टीपल यूजर्स की का कॉम्बिनेशन होता है. इज इट ओके? तो अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे. रोल्स की बात करें तो जैसे अपने ऑन प्रीमाइसेस सर्वर में एक यूजर के साथ मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं. एंटरप्राइज हो सकता है, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर हो सकता है, स्कीमा मास्टर हो सकता है. बिल्ट इन रोल्स होते हैं. उसी तरीके से Azure पोर्टल के ऊपर मल्टीपल रोल्स होते हैं. हर एक रोल्स की अपनी वैल्यू है, हर एक रोल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप मल्टीपल रोल्स को एक यूजर के लिए एप्लीकेबल बना सकते हैं. I don't want to use these anything because हमें इसमें पहले से प्रॉपर पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज आवर यूजर नेम. ये हमने टेम्परेरी पासवर्ड रखा और क्रिएट कर दिया. क्रिएट करने के बाद आप अपने इस यूजर को करो कॉपी, और यहाँ पे आपने करना है इनकॉग्निटो विज़ार्ड ओपन करना है. portal.azure.com. टेम्परेरी पासवर्ड को करिए आप रीसेट। और साइन we are able to open another portal। आप देखिए यहाँ पे एक दूसरा portal अपने पास login हो गया है, right? We are able to see each and everything, but unfortunately आप कोई भी service इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। Can you hear me? Yes. Yes, yes. यहाँ तक कोई question? No. अब मींस जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था ना, अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट के केस में कि यू आर अ रूट एडमिन और आपने एक AWS बनाया, GCP बनाया, टेस्ट बनाया। अब आप इनको सर्विसेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल GCP को क्वेरी स्टोरेज का एक्सेस देना है, AWS को VM का एक्सेस देना है, टेस्ट को SQL का एक्सेस देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। Is it clear? Yep. ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया है अबाउट गेस्ट यूजर अकाउंट। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द गेस्ट यूजर अकाउंट? मींस गेस्ट यूजर अकाउंट क्या हो सकता है? एनी आइडिया? टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी एक्सेस, राइट? अगर अपने B2B एक्टिविटी में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिजनेस टू बिजनेस के केस में टेम्परेरी अकाउंट एक्सेस देना। हाँ ठीक है, कुछ दिन के लिए सर्विस का एक्सेस हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आफ्टर सम टाइम ये सर्विस का एक्सेस हम आपसे एक्सेस कर लेंगे, राइट? ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देखते हैं अबाउट रिलेटेड टू द टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज इन द सेंस Azure AD गेस्ट यूजर अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सब्सक्रिप्शन है, दिस इज आवर रूट पोर्टल। ये अपने पास abc@gmail.com, ठीक है, और दूसरा जो अपने पास अकाउंट है विच इज xyz@gmail.com, ठीक है। ये दो अलग अलग पोर्टल है अपने पास, बोथ आर रूट अकाउंट। एंड abc ने कुछ सर्विस परचेज कर रखती है, मे बी SQL, मे बी स्टोरेज, मे बी वर्चुअल, ये अलग अलग सर्विसेज इसमें स्टोर करके रखती है, क्रिएट करके रखती है, ठीक है। इट इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सारी सर्विसेज को हैंडल कर पाए, ठीक है। या फिर abc unable to understand about how to manage the database SQL, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है SQL सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ गेस्ट यूजर। और इस गेस्ट यूजर अकाउंट को टेम्परेरी पर्पज पे अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, लाइक दिस। लेट मी नो इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो फिर से बोलिए। गेस्ट यूजर अकाउंट के केस में क्या होगा ना कि वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट, वी आर एबल टू शेयर द सर्विसेज फॉर टेम्परेरी बेसिस, कि जो चीजें हमें क्लियर समझ में नहीं आ रही है, जो चीजें हम आसानी से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, डिफरेंट क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब ये तो डिफरेंट पोर्टल है ना, ये लाइक डिफरेंट कंपनी है, ये डिफरेंट पोर्टल ये। ओके ये बेसिकली लाइक यू कैन से डिफरेंट डोमेन है ना, ये abc@gmail and xyz@gmail डिफरेंट कंपनीज है ये। करेक्ट 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 करेक्ट। उसमें भी शेयर कर सकते हैं किसी भी गेस्ट यूजर अकाउंट का मतलब ही है दूसरे को। ओके Is it okay? Yeah. Yeah. चलो इसका एक प्रैक्टिकल देख लें। ठीक है, which is really important for us. We must need to understand about the concept of our guest user account. बहुत ही ज़्यादा यूसेज है इस पर्टिकुलर सर्विस का। ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपन कि B2B की केस में, बिजनेस टू बिजनेस की केस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गेस्ट यूजर अकाउंट। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये अपने पास एक पोर्टल है विच इज GCP सॉरी अवर गेस्ट यूजर अकाउंट। हमें रूट पे जाना है। ये अपने पास एक पोर्टल है manan rao24@outlook.com। एक और पोर्टल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं विच इज एसोसिएटेड विद AWS@something। लेट मी लॉग इन AWS Trainer India @gmail.com। अब देखिए यहाँ पे AWS@gmail.com दिखाई पड़ रहा है और ये वाला पोर्टल जो हमारा आउटलुक पे चल रहा है। मींस दोनों ही रूट अकाउंट है। अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिखाऊं तो दिस वन इज पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। इसके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है? पे एज यू गो। करेक्ट। यहाँ पे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो विच इज कंटेन MSDN सब्सक्रिप्शन। एक यूजर के पास दूसरे यूजर के पास पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन। इज इट क्लियर? आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ आवर एग्जिस्टिंग सर्विसेज। देख लेते हैं कुछ सर्विसेज है। स्टोरेज डेटा 1988 ये अवेलेबल है किसके पास? MSDN के पास। और हम यही सेम स्पेस स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने गेस्ट यूजर को टेम्परेरी। इसके पास कोई भी स्टोरेज नहीं है। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक सा टास्क आपको फॉलो करना है। आप आइए एजर एडी के पैनल, गो टू द यूजर्स, और इस बार हम यूजर क्रिएट नहीं करना, हमें इनवाइट। आप यहाँ पे न्यू गेस्ट यूजर पे क्लिक करेंगे, इनवाइट पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले नेम भी देते हैं लाइक एज AWS दे देते हैं। ये प्रॉपर मेल आईडी AWS Trainer India@gmail.com। ये प्रॉपर मेल आईडी AWS Trainer India@gmail.com। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। पासवर्ड आप मेंशन नहीं कर सकते। ग्रुप ऐड कर सकते हैं आप, यूजर को रोल असाइन कर सकते हैं, बट पासवर्ड जो इसका होगा वो पासवर्ड इसका खुद होगा। आप क्लिक करेंगे इनवाइट पे, बट इनवाइट भेजने के पहले आप जीमेल अकाउंट ओपन कर लीजिए जहां पे इनविटेशन जाएगी .com। AWS Trainer India। Give me 1 minute. I think ये मेरा phone में login है already. जैसे desktop में login है, मैं उसी को access कर लेता हूँ. गेस्ट यूजर को एडमिन एक्सेस दे सकते हैं.